ये देखते हैं कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली। तो ये जो पहला कार्बन है C1, ये पार्ट केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इस इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन बोला करेंगे। ये दूसरा कार्बन है C2, C2 वाला पार्ट 2 कार्बन से अटैच्ड है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। ये जो C2 वाला पार्ट है, ये अपने से आजू बाजू वाले 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो अगर 2 कार्बन से अटैच्ड है तब इस केस में हम लोग यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं। कार्बन नंबर 3, ये भी अपने अगल बगल वाले 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 डिग्री। इसके बगल वाला कार्बन भी 2 कार्बन से अटैच्ड है, 2 डिग्री, और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन केवल 1 कार्बन से अटैच्ड है, 1 डिग्री, ऐसा बोला जा सकता है। तो हम लोग जब कार्बन की डिग्री की बात करते हैं, तो हम लोग ये देखते हुए काम करते हैं कि सर कार्बन वॉइस वाला नहीं आ पार्ट रही, कि क्या बोल रहे। सर वॉइस नहीं आ रहा था, नेटवर्क ब्रेक हो गया था आपका। तो हम लोग नॉर्मली ये देख के काम करते हैं कि कार्बन वाला पार्ट कितने कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, ठीक है। अब उसी में हम लोग जैसे जब डिग्री ऑफ कार्बन डिफाइन करते हैं, तो डिग्री ऑफ कार्बन वाले पार्ट में हम लोग हमेशा बस ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लो, डिग्री ऑफ कार्बन वाले पार्ट में सर कौन सा चैप्टर है? कोई चैप्टर नहीं है, ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है जो हम लोग को डिस्कशन करना होता है, ठीक है। मतलब कोई चैप्टर का पार्ट नहीं होता, जैसे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं तो उसमें हम लोग चैप्टर वाइज बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चैप्टर दे रखा है अगर उसके हिसाब से काम करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। तो ये वैसे ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का सेकेंड लास्ट टॉपिक है, सॉरी थर्ड लास्ट टॉपिक है, तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम लोग उस चीज़ के बेसिक पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सर इसके पहले क्या क्या हो गया है कंप्लीट? इससे पहले अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हम लोग का नया बैच शुरू ही हुआ है, आवाज कट रहा है सर, बोले क्या बोले। आवाज बहुत लो आ रहा है आपकी। ये सर बहुत लो आ रहा है और कट जा रहा है बार बार। मेरा आवाज एक हाँ मिनट, सर, अभी ठीक आ रहा है आवाज, लो ही है सर। सर और कम हो नहीं गया, सर सर और कम हो गया। अभी अभी ठीक आ रहा है आवाज, हाँ अब जा रहा है। चलो ठीक है ठीक है, ओके। तो जैसे हम लोग जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट को और फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट को पैरेलल में ही डिस्कस करेंगे, तो उस केस में जैसे मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हारे एक और सर निहार सर वो टॉपिक डिस्कस करना शुरू करेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म वाला पार्ट, ये सारा का सारा टॉपिक एक लाइन से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक 2 लेक्चर, सॉरी 3 लेक्चर हुआ है, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, वो इंट्रोडक्शन का लेक्चर तुमको अलग से बता दिया जाएगा, ठीक है अभिषेक। ठीक है सर। ओके चलो ध्यान दो। तो इसमें जैसे हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेना, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन टू विच द कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ, टू विच द कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ। एक कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं, इसके हिसाब से हम लोग आराम से डिग्री ऑफ कार्बन वाला पार्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें जैसे अगर मान लो कि हम लोग नंबर ऑफ कार्बन मेंशन करते हुए चलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड, और उसके हिसाब से अगर हम लोग डिग्री वाले पार्ट को डिफाइन करते हैं, तो उसमें नाम का थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ है, आराम से चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन वाला पार्ट 1 अटैच्ड है, तो 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, या फिर इसी चीज़ में हम लोग वर्ड 1 डिग्री की जगह पे प्राइमरी भी बोल सकते हैं। फिर जब 2 कार्बन अटैच्ड होगा, तो उस केस में 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, या फिर इसी की जगह पे हम लोग सेकेंडरी वर्ड आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर 3 डिग्री वाला पार्ट मतलब 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, तब इस केस में हम लोग आराम से यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग टर्शियरी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर 4 कार्बन होगा, तब उस केस में 4 डिग्री कार्बन, या फिर हम लोग यहाँ पे क्वाटरनरी कार्बन आराम से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये नाम थोड़ा ध्यान रखना, पहले लिस्ट नोट कर लो, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स वाले पार्ट पे आते हैं।
नोट कर लिया? तो चलो जैसे यस मान सर। लो, नॉर्मली हम लोग कार्बन चेन की बात करते हैं, तो एक ही एग्जांपल में हम सारे के सारे पार्ट को मेंशन कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें हम हाइड्रोजन को मेंशन नहीं कर रहे, ये तुमको बाय डिफॉल्ट समझना है। जैसे ऊपर वाला कार्बन केवल एक ही बॉन्ड बना रखा, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 10th क्लास में भी पढ़ा है, चार बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला कार्बन है, यहाँ पे केवल एक बॉन्ड दिख रहा हम लोग, केवल एक लाइन दिख रहा। इसका मतलब तीन लाइन नहीं दिख रहा या तीन बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन होना चाहिए। ये जो नीचे वाला कार्बन है, इस कार्बन पे चार बॉन्ड्स दिख रहे हैं। अगर चार बॉन्ड्स है, इसका मतलब हम लोग के पास एक बॉन्ड मिसिंग है। अगर एक बॉन्ड मिसिंग है, सॉरी एक भी बॉन्ड मिसिंग नहीं है क्योंकि चार बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मान लो हम लोग ये कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन वाले पार्ट में दो बॉन्ड दिख रहा, मतलब बेसिकली दो बॉन्ड मिसिंग है। तो यहाँ पे हम लोग दो हाइड्रोजन आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के टाइम पे हम जो हाइड्रोजन होगा उसको मेंशन नहीं करें, क्योंकि बार बार हम लोग को कार्बन मेंशन करना होगा, बार बार हम लोग को हाइड्रोजन मेंशन करना होगा। अगर हम लोग इस तरह के पार्ट से मेंशन करते हुए चले, तो उसमें एक चीज रहेगा कि हाइड्रोजन मेंशन करके टाइम क्यों खराब करना। जैसे तुम लोगों को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताया भी था, तो उस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाले पार्ट के हिसाब से अगर काम करें, तो वहाँ कार्बन भी मेंशन नहीं किया जाता है, बट थोड़ा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सोचने के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसलिए उसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसमें केवल कार्बन को मार्क कर देंगे, और कार्बन के अलावा कोई दूसरा ग्रुप है तो उसको मार्क कर देंगे, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन को मार्क नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हाइड्रोजन को मार्क नहीं करेंगे। इस एक चीज़ को हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ वाले पार्ट में जैसे मान लो केवल कार्बन है, इसको हम नंबर कर देते हैं C1 C2 C3 C4 कार्बन नंबर 5 6 7 8 9। तो अगर हम लोग कार्बन नंबर 1 की बात करें, केवल कार्बन नंबर 1 की बात करें, तो कार्बन नंबर 1 केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, मतलब केवल ये बगल वाले कार्बन से अटैच्ड है, इसके अलावा और किसी कार्बन से अटैच्ड नहीं है। इसका मतलब 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन बोल सकते हैं। कार्बन नंबर 2 में डिग्री क्या होना चाहिए? हाँ भाई अभिषेक बताओ, कार्बन नंबर 2 में डिग्री क्या होना चाहिए? अभिषेक, सर 1 डिग्री। 1 डिग्री। कार्बन नंबर 2 वाला पार्ट जो है, ये भी केवल एक ही कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री। उसके बाद कार्बन नंबर 3, मयंक, 1 डिग्री 1 डिग्री। उसके बाद गौरव, कार्बन नंबर 4, 4 डिग्री 4 डिग्री। मानदीप, कार्बन नंबर 5। बताओ भाई, सर 2 डिग्री 2 डिग्री। टू ठीक। फिर डिग्री उसके बाद कार्बन नंबर 6 की अगर बात करें, तो 3 डिग्री होना चाहिए। कार्बन नंबर 7 की बात करें, तो 1 डिग्री। कार्बन नंबर 8 वाला पार्ट, मान भी अपना ऑडियो अनम्यूट करने के बाद वापस से म्यूट कर लेना, वरना थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे। कार्बन नंबर 8 वाले पार्ट की अगर बात करें, तो यहाँ वाले पार्ट में 2 डिग्री, और कार्बन नंबर 9 वाला पार्ट 1 डिग्री। तो इस केस में जैसे अगर हम लोग कार्बन की डिग्री की बात करें, तो इस तरीके से हम लोग डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें प्राइमरी वर्ड यूज़ करो या 1 डिग्री बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो कभी कभी डिग्री के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें रिलेट की जाती हैं। ये अभी नहीं समझ में आएगा, ये थोड़ा आगे जाने के बाद जब हम लोग क्लास 12th का टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब वहाँ पे समझ में आएगा कि डिग्री वाले पार्ट से हम लोग बहुत सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट को डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, इसलिए बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे मेंशन करते चल रहा है। नोट कर लो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नोट करने के बाद फिर हेडिंग डाल देना, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसी के जैसा अल्कोहल का भी डिग्री होता है, और एग्जैक्टली उसी के जैसा अल्काइल हैलाइड का डिग्री होता है। ये तीनों टर्म एग्जैक्टली सेम टाइप के होते हैं। कार्बन अलग चीज होता है, बट हाइड्रोजन, अल्कोहल या फिर अल्काइल हैलाइड, ये तीनों सेम टाइप का चीज होता है। चलो ध्यान दो, जैसे जब हम लोग हाइड्रोजन की डिग्री या फिर अल्कोहल की डिग्री या अल्काइल हैलाइड की डिग्री की बात करेंगे, तो उस केस में नॉर्मली हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि एच वाला पार्ट या अल्कोहल वाले पार्ट में ओएच ग्रुप होता है, और अल्काइल हैलाइड बेसिकली हेलोजन, हेलोजन वाला पार्ट होता है। तो ये एच या ओएच या हेलोजन, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही इन केसेस का डिग्री निकल के आएगा। जैसे हाइड्रोजन का डिग्री डिफाइन करना है, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन के डिग्री को हम लोग आराम से हाइड्रोजन का डिग्री बोल सकते हैं। अल्कोहल के केस में OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन के डिग्री को हम लोग अल्कोहल का डिग्री आराम से बोल सकते हैं।
और एक्स वाला पार्ट हेलोजन, वो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसी कार्बन की डिग्री को हम लोग उस अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट का डिग्री आराम से बोल सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू, नोट करते जाओ, इट इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच एच ओ एच और एक्स इज अटैच्ड विथ, इज अटैच्ड विथ। सर एक डाउट, बोलो सर, अगर दो कार्बन से अटैच्ड होगा तो दोनों का डिग्री को सम कर देंगे? नहीं, अगर अल्कोहल अल्कोहल है तो अल्कोहल में ये OH ग्रुप ये दो कार्बन से अटैच हो सकता है क्या? ये ऑक्सीजन वाला पार्ट एक ही तो बॉन्ड बना रहा है तो एक ही कार्बन से अटैच हो सकता है। सर हाइड्रोजन तो अटैच हो सकता है। हाइड्रोजन दो कार्बन से अटैच हो सकता है क्या? हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? दो। हाइड्रोजन के पास एक, दो इलेक्ट्रॉन होता एक, है एक होता है। तो अगर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो हाइड्रोजन दो के साथ कभी भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, समझ आया? यस सर। चलो ठीक है, तो जैसे हम केवल सवाल पूछ रहे हैं इसमें तुम लोग को डिग्री बताना है। अगर अल्कोहल होगा तो अल्कोहल का डिग्री, हाइड्रोजन वर्ड मेंशन करेंगे तो हाइड्रोजन का डिग्री बताते जाना है। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड है तो इस केस में ये एच ए हो गया, मान लो एच बी हो गया, एच सी हो गया और एच डी। तो इस केस में एच ए वाले पार्ट का डिग्री क्या है अभिषेक? वन। वन। उसके बाद मानवी, एच बी वाले पार्ट का डिग्री क्या है मानवी? यस सर। एच बी का डिग्री क्या है? टू। सॉरी वन। वन पक्का? एच बी बोल रहे, एच बी बी बॉम्बे। इस स्ट्रक्चर में देखो, एच बी वाला पार्ट जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका डिग्री क्या है? अच्छा उसका वन है। ये कार्बन का डिग्री वन है पक्का? वन है? नहीं, कार्बन का डिग्री थ्री है। तो अगर कार्बन का डिग्री थ्री है तो हाइड्रोजन का डिग्री कितना हो जाएगा? ठीक है, मयंक यस सर, क्या होगा एच सी वाले पार्ट में? एच सी वाला सर टू डिग्री। टू डिग्री। और गौरव? वन डिग्री। वन डिग्री, ठीक है ठीक है। नोट कर लो एग्जांपल। इस केस में अल्कोहल का डिग्री क्या है? कोई भी जवाब दे सकता है। थ्री डिग्री। OH वाला पार्ट जिस कार्बन से अटैच्ड है वो तीन कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब कार्बन का डिग्री थ्री है तो OH वाले ग्रुप का भी डिग्री थ्री लेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे नाम में थ्री डिग्री अल्कोहल वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक का पार्ट सबको समझ में आया होगा कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है। लेकिन इसके आगे एक छोटा सा पार्ट है अमाइन। ये अमाइन वाला पार्ट, और या फिर इसी की जगह पे हम लोग अमाइड भी यूज कर सकते हैं, ये अमाइन वाला पार्ट या अमाइड वाले पार्ट का जो डिग्री होता है ये हम लोग थोड़ा अलग तरीके से निकालते हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन वाला पार्ट का वैलेंसी तीन होता है, मतलब अमाइन अमाइड होता क्या है पहले बता देते हैं, तुम लास्ट क्लास एब्सेंट था बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे नाइट्रोजन वाला पार्ट जो है, नाइट्रोजन वाला पार्ट तीन बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास तीन वैलेंसी होता है। जैसे 9th-10th में सुना होगा नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच होता है और वैलेंसी वाला पार्ट तीन होता है। तो नाइट्रोजन का जब वैलेंसी वाला पार्ट हम लोग कंसिडर करें तो ये तीन के बराबर है, इसका मतलब नाइट्रोजन तीन बॉन्ड्स बना सकता है, आराम से ऐसा बोल सकते हैं। अब ये तीन बॉन्ड अगर कार्बन से अटैच्ड हो, बेसिकली कार्बन चेन से अटैच्ड हो जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब इस केस में भी इसको अमाइन बोलेंगे एक ऑप्शन। या फिर नाइट्रोजन वाला पार्ट का दो बॉन्ड कार्बन चेन से अटैच्ड हो और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच्ड हो तब भी इस केस में फंक्शनल ग्रुप का नाम हम लोग अमाइन बोलेंगे। या फिर अगर नाइट्रोजन वाले पार्ट का एक बॉन्ड कार्बन चेन से अटैच्ड हो और दो बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच्ड हो तब भी इस चीज को हम लोग आराम से अमाइन बोलेंगे।
तो जैसे नाइट्रोजन वाला पार्ट जो है, अगर उसका तीन बॉन्ड तीनों के तीनों हाइड्रोजन से अटैच है तो अमोनिया बोला करते, वो अलग चीज हो जाता है। लेकिन अगर उसमें से कोई एक भी पार्ट कार्बन से अटैच है तो अमाइन, अगर दो पार्ट अटैच है तो भी अमाइन, तीनों पार्ट कार्बन से अटैच है तो भी अमाइन। तो तीनों ही अमाइन है, लेकिन तीनों में एक डिफरेंस है, ऊपर वाला जो पार्ट है नाइट्रोजन का, ये तीनों तरफ कार्बन चेन से अटैच है। अगर तीनों तरफ कार्बन चेन से अटैच है तो इस केस में हम लोग 3° अमाइन वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। अगर दो तरफ कार्बन चेन से अटैच्ड है तब इस केस में 2° अमाइन बोल सकते हैं, और केवल एक ही कार्बन चेन से अटैच्ड है तब इस केस में हम लोग 1° अमाइन आराम से वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे अपने पूरे स्ट्रक्चर में 1° अमाइन, 2° अमाइन, 3° अमाइन, इस तरह का पार्ट हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। अमाइड क्या होता है अगर इस चीज को कंसिडर करें, तो जैसे पहले काम करो, पहले इस चीज को नोट करो आराम से। अगर नोट कर लिया होगा तो फिर इसके बाद अगले पार्ट पे आते हैं। जैसे नाइट्रोजन का तीन वैलेंसी तो है, ये तो हम लोगों को मालूम है, ये तीन वैलेंसी तो होता ही होता है। बट अगर इन तीन में से हम लोग का कोई भी एक वैलेंसी सी डबल बॉन्ड ओ से अटैच्ड है, मतलब कार्बन चेन से तो है ही पार्ट वो अटैच्ड, बट बेसिकली सी डबल बॉन्ड ओ से अटैच्ड है, तब इस चीज को हम लोग अमाइड बोलना शुरू करते हैं। और इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, अगर एक तरफ सी डबल बॉन्ड ओ है तभी अमाइड बोलेंगे, दो तरफ सी डबल बॉन्ड है तो अमाइड नहीं बोला करते हैं। तो इसलिए तीन में से कोई एक पार्ट सी डबल बॉन्ड ओ से अटैच्ड है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो ओ एच वाला पार्ट अल्कोहल होता है, लेकिन अगर यही ओ एच वाला पार्ट सी डबल बॉन्ड ओ से अटैच्ड होता है तो ये चीज अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। तो अगर केवल नाइट्रोजन है तो अमाइन हो गया, बट अगर वही नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच हो गया तब उस केस में फिर हम लोग नाम में अमाइन वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां पे अमाइड वर्ड यूज करना शुरू करते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, केवल एक साइड सी डबल बॉन्ड ओ अटैच होगा और बाकी दोनों तरफ कार्बन हो सकते हैं। तो जैसे बेसिकली नाइट्रोजन से तो तीनों तरफ कार्बन ही अटैच है तो आराम से 3° अमाइड बोल सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, नाइट्रोजन वाले पार्ट के साथ सी डबल बॉन्ड ओ तो अटैच है लेकिन बाकी दोनों में से कोई एक ही तरफ कार्बन चेन अटैच्ड है और एक तरफ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो यहाँ वाले पार्ट में भी अमाइड बोलेंगे हम लोग इस चीज को, लेकिन 2° अमाइड बोलेंगे। और तीसरी पॉसिबिलिटी, एक तरफ सी डबल बॉन्ड ओ अटैच होना मस्ट कंडीशन है और बाकी दोनों पार्ट पे कार्बन के जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो पहले नाइट्रोजन में तीन कार्बन अटैच्ड हैं, दूसरे नाइट्रोजन में दो कार्बन अटैच्ड हैं और तीसरे नाइट्रोजन में केवल एक कार्बन अटैच्ड है, तो यहाँ पे 1° अमाइड वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। तो अमाइन अमाइड का डिफरेंस भी समझ में आया होगा। और यहाँ का जो डिग्री है ये कार्बन के डिग्री से डिसाइड नहीं होता, यहाँ का डिग्री इससे डिसाइड होता है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है। अगर तीन कार्बन से तीनों बॉन्ड बना करके अटैच्ड है तो इसका मतलब 3° अमाइन या 3° अमाइड। अगर नाइट्रोजन वाला पार्ट दो कार्बन से बॉन्ड बना रखा है केवल और एक हाइड्रोजन के साथ, तो 2° अमाइड और फिर 1° अमाइड, ऐसा वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को। ये तुम्हारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है जिस चीज को हम लोग डिस्कस किया करते हैं। इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग एक और छोटा सा पार्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट, कितना कब तक है तुम लोगों क्लास, कुछ आइडिया है तुम लोगों को? हेलो, 3:15। चलो ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का हम लोग डिस्कशन करते हैं। वो भी कंसेप्ट बस अभी के लिए ध्यान रखना, वो केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा तुम लोगों को, अभी के लिए बस उसको कुछ इन्फॉर्मेशन के जैसा याद रखना है तुम लोगों को, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलो ध्यान दो, जैसे इसके बाद एक छोटा सा टर्म है जो हम लोग को डिस्कस करना होता है, इस चीज को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोला करते हैं, मतलब बोलने का एक तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन। किसी को भी मालूम है तुम में से, चारों में से किसी को भी मालूम है कि जैसे मिथेन मॉलिक्यूल है CH4, तो CH4 मॉलिक्यूल का 3D में स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसी को भी मालूम है? कोई सुना है कहीं पे CH4 का 3D में स्ट्रक्चर कैसा होता है? कोई भी नहीं सुना है? सुना है जो सुना है बताओ।
बताओ भी जल्दी। सर याद नहीं आता है पर। चलो कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो। जैसे सी एच फोर जो मॉलिक्यूल है इसमें थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर का मतलब हम लोग बेसिकली हम लोग नॉर्मली एक टर्म यूज क्या करते हैं ज्योमेट्री, या फिर टर्म यूज क्या करते हैं शेप। तो जैसे ज्योमेट्री या शेप का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक एटम के अलोंग बाकी सारे के सारे एटम किस तरीके से अरेंज्ड है। जैसे मान लो कि ऐसा दे रखा कि एक एटम ए वाला पार्ट है और इसके अलोंग तीन एटम दे रखे, ये तीनों को हम लोग एक ट्राइंगल पे प्लेस कर रखे हैं। मतलब एक एटम के रिस्पेक्ट में तीनों एक ट्राइंगल पे प्लेस्ड और तीनों एक प्लेन में प्लेस्ड है बेसिकली। तो इस चीज को हम लोग ट्राइंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। मान लो कोई एक एटम दे रखा, इसके दोनों तरफ अपने पास एटम प्लेस्ड है, तो अगर एक एटम के दो साइड एटम प्लेस्ड है तो इस चीज को हम लोग आराम से लीनियर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। वैसे इस चीज को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, लीनियर स्ट्रक्चर या फिर पहले वाले केस में ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद मान लो हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, जैसे दो पॉसिबिलिटीज है। अगर एक एटम के रिस्पेक्ट में अपने पास चार एटम्स को डालना है, इस केस में हम लोग एक स्क्वायर के जैसा डाल सकते हैं इस चीज को। और यहाँ वाले पार्ट में हम लोग स्ट्रक्चर में नाम लिखते वक्त आराम से स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर नाम लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि मॉलिक्यूल वाला पार्ट स्क्वायर के जैसा एग्जिस्ट करता है। कभी कभी स्क्वायर के जैसा भी एग्जिस्ट करता है, बट कभी कभी स्क्वायर के जैसा एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक पार्टिकुलर शेप में चला जाता है। उस पार्टिकुलर शेप वाले पार्ट को हम लोग टेट्राहेड्रल शेप बोलना शुरू करते हैं। जैसे एक एटम के रिस्पेक्ट में बाकी बचे हुए चार एटम, जैसे सी एच फोर है, तो कार्बन के रिस्पेक्ट में जो बाकी बचे हुए हाइड्रोजन्स है, ये सी एच फोर वाले पार्ट के सारे हाइड्रोजन्स वाले पार्ट अपने आप को एक पार्टिकुलर शेप में रखते हैं। इस चीज को हम लोग टेट्राहेड्रल शेप आराम से बोल सकते हैं, और उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। एक मिनट, तुम लोग को शेप दिखा रहे टेट्राहेड्रल शेप, थोड़ा हम स्क्रीन का शेयरिंग हटा रहे हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास चार पेन है, ठीक है, इसमें एक सिल्वर कलर का पेन है, दूसरा ब्लैक कलर का पेन है, तीसरा एक ब्लू कलर का पेन है, और चौथा एक और ब्लैक कलर का ही पेन है, बट थोड़ा मोटा है, ठीक है, इस वाले पार्ट से थोड़ा डिफरेंस है। तो ये जो चार पेन होंगे, इन चार पेन को अगर हम लोग, जैसे कार्बन है तो कार्बन के लॉन्ग चार हाइड्रोजन, तो सिमिलर टाइप से अगर इन चार पेन को हम लोग अरेंज करना शुरू करें तो उसका अरेंजमेंट ऑलमोस्ट इस टाइप का निकल के आता है, ऑलमोस्ट इस टाइप का, जिसमें हम लोग के चारों जो बॉन्ड्स है वो एग्जैक्टली सेम टाइप के हैं। स्क्वायर भी नहीं है, अगर चार पॉइंट है तो स्क्वायर हो सकता था, स्क्वायर भी नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली सारा का सारा पार्ट सेम है। किसी भी तरीके से हम लोग मूव कर जाए तो एग्जैक्टली सारा का सारा बॉन्ड सेम है। इस चीज को टेट्राहेड्रल शेप बोला जाता है। और एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है, ये ब्लैक वाला एटम और ये ब्लू वाला एटम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है, मतलब कार्बन होगा अगर बीच में तो ऊपर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, तो कार्बन से ऊपर हाइड्रोजन का ये बॉन्ड हो गया, कार्बन से दूसरे हाइड्रोजन का इधर बॉन्ड हो गया, तो एच कार्बन एच, ये जो बॉन्ड के बीच में एंगल है, इस चीज को हम लोग बॉन्ड एंगल बोल सकते हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ये एंगल 109 डिग्री के बराबर होता है। तो जैसे हम लोग जब इस तरह का शेप कंसिडर करना शुरू करेंगे तो यहाँ वाले पार्ट का एंगल हम लोग आराम से 109 डिग्री के बराबर मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में जो हम लोग का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर निकल के आता है, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाले पार्ट में नॉर्मली हम लोग 109 डिग्री पे सारे के सारे एटम्स को डाल रखे होते हैं। अब पॉइंट ये होता है, एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल को हम लोग बॉन्ड एंगल बोला करते हैं, ठीक है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड्स के बीच का एंगल है तो इसलिए बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल वाले पार्ट में 109 डिग्री के बराबर आता है, ठीक है। अब मान लो, जैसे खुद से बताओ अभिषेक, इस केस में एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल 109, ये 109 होगा, ये शेप, ये जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, इस केस में एंगल कितना होगा, ये एंगल जो दिखाया है, इसका शेप देखो, पहले शेप ट्रायंगुलर प्लानर शेप है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 120 एक ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है, और ट्रायंगल में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अगर हम लोग यहाँ से बीच से इसको ये सारे पॉइंट को ज्वाइन करें तो एंगल कितना आएगा, तो 120, दूसरा एंगल है 120, तीसरा एंगल 120। अरे मयंक, ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो जैसे नॉर्मली होता क्या है कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनके एग्जिस्टेंस में हमेशा हम लोग एक पार्टिकुलर शेप की बात करते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग सी एच फोर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो सी एच फोर मॉलिक्यूल वाले पार्ट का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल निकल के आता है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं,
मान लो अगर हम लोग CO2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो CO2 वाले पार्ट मॉलिक्यूल का जो शेप है वो लीनियर निकल के आता है। अगर हम लोग इथीन मॉलिक्यूल की बात करें तो इथीन मॉलिक्यूल वाले पार्ट में दो कार्बन्स हैं और दोनों कार्बन्स पे दो दो हाइड्रोजन है। एक कार्बन को अगर कंसिडर करें तो एक कार्बन में ये जो शेप है ये तीन एटम्स का प्लेसमेंट ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर निकल के आता है। मतलब अगर हम लोग उसको थ्री डायमेंशन में एक्सपेरिमेंटली देखना शुरू करें तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो तीनों एटम्स का अरेंजमेंट है, मतलब इस बीच वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन का अरेंजमेंट, दूसरे हाइड्रोजन का अरेंजमेंट और तीसरे कार्बन का अरेंजमेंट, ये ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर के जैसा आ रहा है। सिमिलर टाइप से ये दूसरे कार्बन के रिस्पेक्ट में बाकी तीनों एटम्स का अरेंजमेंट भी ट्रायंगुलर प्लानर ही स्ट्रक्चर निकल के आता है। तो जैसे पॉइंट ये हो जाता है कि चलो हम लोग के पास अगर एपरेटस एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का ऐसा शेप निकालना है, तो एक देख लिया एक्सपेरिमेंट में कि सारे एटम्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से शेप निकाल लिए। बट अगर मान लो तुम्हारे पास CO2 दे रखा और तुमको मालूम करना है इसका शेप क्या है, तो हमको क्या मालूम शेप क्या है? चलो ठीक है, CO2 का तो याद भी कर लिया लीनियर, लेकिन अगर मान लो कि हम लोग के पास SO3 दे रखा तो इसका शेप क्या है, कैसे मालूम करेंगे? CH4 वाला पार्ट तो दे रखा, चलो ठीक है, मान लो PCl5 दे रखा या फिर H2O मॉलिक्यूल दे रखा, तो इन सब का शेप क्या है, कैसे पता चलेगा? तो नॉर्मली जितने भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ये मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड एक थ्योरी बनाया गया है। उस थ्योरी वाले पार्ट को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस भी करते हैं। इस चीज को विस्पर थ्योरी बोला जाता है, VSEPR, इसका कंप्लीट नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। उसके हिसाब से एक मॉलिक्यूल नेचर में किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कंसिडरेशन आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो जैसे ये विस्पर थ्योरी वाला जो पार्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा, इस थ्योरी के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। लेकिन उस मॉलिक्यूल के शेप को डिसाइड करने से पहले हम लोग को दो तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। उस दो तीन चीज में जैसे 10th क्लास में एक चीज पढ़ा था तुम लोगों ने, लेविस स्ट्रक्चर, याद है कुछ थोड़ा बहुत? लेविस डॉट स्ट्रक्चर, एक्चुअल में 10th क्लास में लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है ना? नहीं याद है? नहीं पढ़ा था? स्ट्रक्चर को ही लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं ना? हाँ हाँ, डॉट स्ट्रक्चर को ही लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर O2 है तो O2 वाले पार्ट में एक ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ सर पढ़े हैं, क्या पढ़ा हुआ? मालूम है, मालूम डॉट स्ट्रक्चर सर। तो इस केस में जैसे दोनों ऑक्सीजन को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नॉर्मली एक ऑक्सीजन अपना दो इलेक्ट्रॉन और दूसरा ऑक्सीजन भी अपने दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर कर देगा। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा चेंज करेंगे। जैसे मान लो सी एच फोर मॉलिक्यूल है, सी एच फोर मॉलिक्यूल वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें तो सी एच फोर मॉलिक्यूल वाले पार्ट में कार्बन वाले पार्ट के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन वाले पार्ट के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो शायद ध्यान होगा तुम लोगों को कि इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा, हाइड्रोजन वाला पार्ट इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, कार्बन में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, याद है? यस सर। तो नॉर्मली हम लोग करेंगे क्या कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया गया है, इन इलेक्ट्रॉन्स के रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट में हम लोग बार बार इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो बहुत टाइम खराब होगा। तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो यहाँ पे हम लोग उसके बदले में एक बॉन्ड बना देते हैं, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर के, मतलब ओवरऑल दो इलेक्ट्रॉन मिला करके एक एटम हो गया, ऊपर भी दो इलेक्ट्रॉन मिला करके एक बॉन्ड बन गया और नीचे भी दो इलेक्ट्रॉन मिला करके एक बॉन्ड बन गया। तो ये सी एच फोर का अपना लेविस स्ट्रक्चर निकल के आएगा। इस चीज को हम लोग सिंपली लेविस स्ट्रक्चर बोलेंगे, इसको हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग क्रॉस और डॉट से मेंशन नहीं कर रहे इस चीज को, हम लोग सिंपली इसको लेविस स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे अगर मान लो ऊपर ऑक्सीजन वाला पार्ट दे रखा, तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में हम लोग के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो अगर दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो एक बॉन्ड बनता, जिसको सिग्मा बॉन्ड भी बोलते थे, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तब इसकी इसमें दो बॉन्ड बनेगा, अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो तीन बॉन्ड बनता। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड हम लोग पाई बॉन्ड आराम से बोल सकते हैं। जैसे मान लो N2 का स्ट्रक्चर है, अगर तो N2 वाले पार्ट में नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो दो इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन और एक 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरे नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर भी हम लोग के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और दोनों को तीन तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नॉर्मली पहला नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा नाइट्रोजन वाला पार्ट भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि दोनों नाइट्रोजन अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए
तो पहला जो शेयरिंग हुआ वहां से नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, दूसरा जो शेयरिंग हुआ वहां से दूसरा बॉन्ड आएगा, तीसरा जो शेयरिंग हुआ वहां से तीसरा बॉन्ड आएगा। तो इस केस में आराम से ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। वैसे एक चीज का ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा, जैसे नाइट्रोजन का दो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ, तो इसको हम लोग नॉर्मली एक पेयर के फॉर्म में रखेंगे, दो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, जैसे 10th क्लास में रखते थे वैसे ही रखेंगे। और इस चीज को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में लोन पेयर बोलते हुए काम कर सकते हैं। लिखने का एक तरीका होता है लोन पेयर। दूसरे नाइट्रोजन भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया है, इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में भी हम लोग आराम से लोन पेयर वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे ऊपर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में ये पार्ट तो शेयर्ड है, लेकिन ऊपर का पार्ट और इधर का पार्ट शेयर्ड नहीं है, तो आराम से हम लोग दो इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी ऐसा लोन पेयर के जैसा दिखा दिया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स थे चार, जो भी जो शेयरिंग में नहीं गए, उन चार चार इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग दो दो के पेयर में रखे। पेयर में क्यों रख रहे, उसके पीछे रीजन है, वो सब मालूम पड़ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में, बट अभी के लिए उसको पेयर में रखे। और यहाँ से हम लोग आराम से इस चीज को दो लोन पेयर के फॉर्मेट में मेंशन कर दिए, तो यहाँ से दो लोन पेयर आ गया। दूसरे ऑक्सीजन वाले पार्ट में भी हम लोग आराम से दो दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा लोन पेयर के फॉर्मेट में मेंशन कर सकते हैं। बट मान लो CH4 है, तो CH4 में ना कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बचा, ना हाइड्रोजन के ऊपर, तो कोई लोन पेयर की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला जा सकता है। मान लो H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके अलावा दो हाइड्रोजन होने हैं। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो शेयर करेगा, ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग आराम से ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक एक दोनों हाइड्रोजन को शेयर कर दिए, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स और नीचे भी दो इलेक्ट्रॉन्स बचा रह गया। तो ये जो हम लोग का दो इलेक्ट्रॉन्स है, इससे हम लोग एक बॉन्ड बना दिए। इधर जो दो इलेक्ट्रॉन है, इससे भी हम लोग एक बॉन्ड बना दिए। और उसके अलावा जो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही खाली रह गए, इसको हम लोग आराम से लोन पेयर के जैसा कंसिडर कर लिए। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे आराम से, कि हम लोग का जो लोन पेयर है या लेविस स्ट्रक्चर वो कैसे बनता है। वो सिंपल सा तरीका एक बताएंगे, वो सिंपल सा ट्रिक है जिस चीज को फॉलो करेंगे। अभी के लिए थोड़ा ध्यान रखना है कि लोन पेयर क्या होता है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट क्या होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जैसे नॉर्मली करते क्या है कि हम लोगों को एक मॉलिक्यूल का जब शेप निकालना है या ज्योमेट्री निकालना है कि मॉलिक्यूल थ्री डायमेंशन में कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि हम लोग उस मॉलिक्यूल वाले पार्ट से पहले उसका लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उस लेविस स्ट्रक्चर वाले पार्ट से हम लोग जो टर्म ऊपर मेंशन किए थे हाइब्रिडाइजेशन, वो चीज निकालते हैं। और वो जो हाइब्रिडाइजेशन निकला, उस हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग एक टेबल होता है, एनसीईआरटी में दे भी रखा है, उस टेबल में हम लोग शेप को सीधा रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो टेट्राहेड्रल शेप, इस तरीके से हम लोग नाम आराम से मेंशन कर सकते हैं। तुम लोग को याद क्या रखना है, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप क्या क्या होते हैं। शेप वाला पार्ट अभी याद रखने की जरूरत भी नहीं है, उस चीज को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस भी करेंगे। बट तुम लोगों को नॉर्मली जो हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना है। हम शेप अभी के लिए बता देंगे, उसको थोड़ा तुम लोगों को ध्यान रखते हुए काम करना, ठीक है। तो ये सब चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, ये चीज हम PDF में भेज भी देंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। बेसिकली ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, केवल हम इस चीज का डिस्कशन करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका शेप वाला पार्ट क्या हो सकता है, इसका एक लिस्ट होगा जिसको अभी के लिए तुम लोगों को थोड़ा याद रखते हुए काम करना है। तो जैसे मान लो कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में अगर काम करना शुरू करें, तो सबसे पहला पार्ट जो अपने को डिस्कस करना है, नोट करना शुरू करो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जिसमें सबसे पहले, अच्छा तुम में से कोई एक चीज बताओ, कोई भी एक आदमी, SPDF वर्ड सुना है कभी, क्या होता है? यस सर। यस सर। कौन कौन, दो लोग सुन रखे हैं, गौरव? यस सर। मयंक सुना है कभी? नहीं सर। ओके चलो ठीक है। जैसे हम लोग जब 10th क्लास में, सॉरी 9th क्लास में जब हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ते हैं, तो बोर्स मॉडल वाले पार्ट में हम लोग वहाँ पे KLMN पढ़ते हैं, शेल वाले पार्ट में KLMN इस टाइप का पार्ट पढ़ते हैं। जब हम लोग 11th क्लास में चले जाते हैं, तो जो हम लोग लिखते हैं 2, 8, 18, 32, उसकी जगह पे हम लोग SPDF के फॉर्मेट में लिखना शुरू करते हैं, पूरे के पूरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना शुरू करते हैं बेसिकली। तो वो जो SPDF है, हम लोग उसी SPD वाले पार्ट को अपने हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट हाइब्रिडाइजेशन को होता है SP, दूसरा पार्ट होता है SP2,
तीसरा पार्ट होता है, तीसरा नाम का टाइप है sp3। और ऐसा नाम क्यों हुआ इसके पीछे भी रीजन है, अभी के लिए तुमको केवल ये नाम ध्यान रखना है। चौथा पार्ट sp3d, पांचवा पार्ट sp3d2 और छठा पार्ट sp3d3। और हम लोगों को इनमें से बेसिकली पांच ही नाम ध्यान रखना है, छठे की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization, sp3d hybridization, sp3d2 hybridization और sp3d3 hybridization। ये छह hybridization हम लोग यूज कर सकते हैं इन जनरल। hybridization और भी है, क्लास 12th में ऑलमोस्ट सबसे लास्ट टॉपिक है, जब वहां पे जाएंगे तो पता चलेगा कि वहां एक और भी hybridization होता है, एक और भी नहीं, वहां नए नए सिमिलर टाइप के hybridization होते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी उससे मतलब नहीं है। 11th क्लास की केमिस्ट्री में हम लोगों को टोटल छह हाइब्रिडाइजेशन से मतलब है, जिसमें से छठा अनइम्पॉर्टेंट है बहुत ही। पांच में से ऊपर का केवल तीन पार्ट हम लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम का होता है, नीचे का तीन पार्ट अपने काम का बिल्कुल नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन बस नाम पहली बार सुन रहे तो इसलिए हम लोग को ये चीज मालूम होना चाहिए। और उसी में हम लोग शेप की बात कर सकते हैं, शेप या फिर हम लोग ज्योमेट्री वर्ड यूज करें तो ज्यादा प्रिसाइज होगा। एक मिनट, जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम लोग का जो शेप है या ज्योमेट्री वो लीनियर निकल के आता है। जब sp2 होता है तब उस केस में हम लोग यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर आराम से मेंशन कर सकते हैं, और जब sp3 होता है तब उस केस में हम लोग टेट्राहेड्रल वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मली उल्टा काम करेंगे, जैसे हम लोग मॉलिक्यूल का शेप निकाल के उल्टा काम नहीं कर रहे, हम लोग लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से लिस्ट होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर शेप एग्जिस्ट करेगा, sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लानर शेप एग्जिस्ट करेगा, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल शेप एग्जिस्ट करेगा। हम लोग इस लिस्ट के हिसाब से उन मॉलिक्यूल्स को थियोरेटिकली जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल को हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, बट थियोरेटिकली उनको लिस्ट आउट कर सकते हैं। हम लोग वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तीन का शेप तुमको ध्यान रखना है, नाम थोड़ा ध्यान रखना ताकि नाम जब दोबारा आए केमिकल बॉन्डिंग में तो कंफर्टेबल रहे, उस चीज से कोई दिक्कत ना हो। और अगर नोट कर लिया है तो फिर हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं इस डिस्कशन पे जाएंगे, और बहुत ही सिंपल सा तरीका, मतलब मेरे हिसाब से बहुत इजी तरीका तुमको बताएंगे जिसके बेसिस पे ये काम कर सकते हैं हम लोग। अभिषेक, तुमको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का आइडिया है थोड़ा बहुत? नहीं सर। चलो ठीक है, तो तुम सुनना केवल, तुमको आइडिया लग जाएगा नेक्स्ट क्लास में, हम अलग से बैकअप क्लास लगा देंगे तुम्हारा, तो तुमको इस चीज का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो, बाकी लोग ध्यान दो। जैसे मान लो कि हम लोगों का CO2 मॉलिक्यूल है, या CO2 नहीं, सबसे पहले CH4 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं। ठीक है, तो CH4 वाले पार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है कि कार्बन वाले पार्ट के ऊपर चार हाइड्रोजन है, और ये चीज मेंशन किया था, जब भी कभी दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होता है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड और पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, मतलब जब भी कभी दो एटम्स के बीच में, केवल दो एटम्स के बीच में, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, इन दोनों के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग का यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर में भी दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, नीचे भी सिग्मा बॉन्ड, मतलब जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, नॉर्मली जब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो उस हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोग को इस चीज का ध्यान रखते हुए काम करना है कि हम लोग केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करें, केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। और जैसे अपने पास नाम क्या है, तो एस के बाद पी, दूसरा sp2, तीसरा sp3, तो एक चीज देख सकते हैं, जैसे यहाँ 1 होना चाहिए था लेकिन 1 मेंशन नहीं किया गया, तो s1p1 की जगह उसको sp बोल दिया गया, s1p2 की जगह sp2 बोल दिया गया, s1p3 की जगह sp3 बोल दिया गया। तो हम लोग उसमें p1 मेंशन नहीं करेंगे, दिमाग में रखें लेकिन p1 मेंशन कहीं नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन सब में जो हम लोग का सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर होगा केवल उसको कंसिडर करना, और उसमें से कोई भी एक बॉन्ड को एस बोल दो, कोई भी एक बॉन्ड को, और क्लॉकवाइज रोटेट कर जाओ या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट S1 के बाद नंबर आता है P1 का, तो इस केस में जो अगला बॉन्ड होगा इसको P1 बोल सकते हैं। और आगे अगर बढ़ेंगे तो जो अगला सिग्मा बॉन्ड होगा या लोन पेयर होगा उस चीज को हम लोग आराम से P2 बोल सकते हैं, और आगे बढ़ेंगे तब उस केस में अगला बॉन्ड वाले पार्ट को हम लोग P3 बोल सकते हैं, और इसके आगे बढ़ने पे वापस से सेम बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ तक के आगे हम लोग कोई कंसिडरेशन लेके नहीं चलेंगे। तो हम लोग का नाम कहाँ पे खत्म हुआ, तो S से शुरू हुआ था, बेसिकली S1 से शुरू हुआ था और P3 पे खत्म हुआ, तो 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आराम से बोल सकते हैं।
मान लो अगर हम लोग ये एग्जांपल की बात करते हैं, पहले एग्जांपल समझ लो, नोट डाउन अलग अलग से कर लेना। मान लो हम लोग जैसे इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं PCl5, तो PCl5 वाले पार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस और इसके अलॉन्ग टोटल 5 क्लोरीन होते हैं और सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड के साथ, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो सारे के सारे अगर सिग्मा बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पे, ये हमको मालूम है अभी के लिए बस बता के चल रहा है। तो इस केस में कोई भी एक बॉन्ड कंसिडर कर लिया, उसको एस बोल दिया, क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ कोई मतलब नहीं है। तो मान लो जैसे एंटी क्लॉकवाइज गए तो एस के बाद अगला नंबर आया P1 का, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तो अगला नंबर आएगा P2 का, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो अगला नंबर आएगा P3 का, उसके बाद जब P3 खत्म हो जाता है तो sp3 के बाद फिर d1 का नंबर आता है, यहाँ पे sp4 नहीं होता। तो इस केस में आराम से यहाँ वाले पार्ट में d1 बोल सकते हैं। तो टोटल नोमेनक्लेचर में इसके आगे जाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि वापस उसी बॉन्ड पे चले गए। तो इस केस में s से शुरू किए थे, p3 तक गए थे और d1 तक गए थे, तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग आराम से sp3d बोल सकते हैं। मान लो अगर ये मॉलिक्यूल दे रखा इथीन, तो इथीन का ये स्ट्रक्चर होता है C2H4। तो इस केस में जैसे हाइब्रिडाइजेशन हमेशा हम लोग एक एटम का डिफाइन करते हैं, केवल एक एटम का, पूरे मॉलिक्यूल का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, हमेशा सेंटर में जो एटम है उसकी बात करते हैं। इन जनरल उसको हम लोग सेंट्रल एटम बोल सकते हैं। ये सब टर्म्स ध्यान रखना, धीरे धीरे यूज्ड हो जाएंगे इन सब टर्म्स को लेकर के। तो जैसे मान लो पहला कार्बन है, अगर इस पर हम लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट करना शुरू करें तो एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, और जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को कंसिडर करते हैं हम लोग। तो यहाँ जो एक सिग्मा बॉन्ड है केवल इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से नाम देना शुरू किया अगर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आराम से S। उसका अगला जब सिग्मा बॉन्ड जाएंगे तो यहाँ पे P1 का नंबर आएगा, उसके अगले जब पार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे P2 नंबर आएगा। इसका मतलब इस कार्बन वाले पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन आराम से sp2 बोलते हुए काम कर सकते हैं, मतलब लिखने का तरीका हो सकता है sp2। मान लो दूसरे कार्बन की बात करते हैं, तो दूसरे कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ दूसरा सिग्मा बॉन्ड और पहले से एक सिग्मा बॉन्ड तो था ही, तो इस केस में S से नाम शुरू किया, फिर P1 और यहाँ वाले पार्ट में P2, तो यहाँ वाले पार्ट में भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लोग H2SO4 की बात करते हैं, तो H2SO4 वाले पार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, सल्फर के साथ दो OH ग्रुप होते हैं और दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। अगर मान लो इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं और बोला गया कि ये सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो अगर हम लोग कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड की बात करें, किसी भी मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड की बात करें, तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड इधर है, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा और ऊपर भी एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होगा। तो किसी भी एक को एस बोल दिया, फिर उसके बाद P1 का नंबर आया, फिर P2 का नंबर आया, फिर P3 का नंबर आया, तो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट सल्फर के लिए हम लोग आराम से sp3 मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। अभिषेक कोई डाउट है? नहीं सर, समझ आ रहा है। ओके, बाकी लोगों को कोई डाउट है? सर एक हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है क्या? नहीं, फॉर्मूला अप्लाई मत करना। जैसे तुम ये टॉपिक पढ़ चुके होगे केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, YouTube पे पढ़े थे सर। ठीक है, तो नहीं फॉर्मूला जैसे लोग बोलते हैं, फॉर्मूला आसान तरीका होता है, बट फॉर्मूला एक्चुअल में ज्यादा डिफिकल्ट तरीका है पहला चीज, और दूसरा फॉर्मूला बहुत जगह फेल करता है। तो फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू काउंट करने का। हम सजेशन देंगे कि फॉर्मूला यूज मत करो, ये मेरा सजेशन होगा कि फॉर्मूला अवॉइड करो, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में एक सवाल आता ही आता है। 2015 में केमिस्ट्री का जो सवाल आया था 12th बोर्ड में, केवल बोर्ड की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग गलती किए थे, क्योंकि सब लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, वो फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से आंसर गलत होता है, सब लोग वही फॉर्मूला अप्लाई किए थे, तो इसीलिए फॉर्मूला यूज मत करना। ठीक है, जो तरीका बता रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में और डिटेल में बताएंगे, आराम से इस चीज को सीख सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट? सर सेंट्रल एटम। हाँ बोलो मयंक। सर सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम का क्या मतलब समझ में आ रहा है? सर इथीन में कौन सा होगा सेंट्रल एटम? नहीं, सेंट्रल एटम का क्या मतलब समझ में आता है तुमको? सर जिससे बॉन्ड है सारा। जिससे बॉन्ड है सारा, मतलब ये बोलने का तरीका ऐसा बोल सकते हैं क्या?
पूछ रहे हैं, मतलब ऐसे जैसे सेंट्रल एटम वर्ड से क्या समझ में आ रहा है तुमको, केवल वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? मान लो तुमको ये सब स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, कल पूछा सेंट्रल तो क्या बोल सकते थे? सर जिससे सारा बॉन्ड जुड़ा हुआ जो सेंटर में हो, सबसे जो सेंटर में हो है ना, तो हाँ. जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हो. बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक ही एटम है जिससे सारे एटम जुड़े हो. जैसे इथीन है अगर, तो इथीन में दो कार्बन एटम है जहाँ पे नंबर ऑफ सेंट्रल मतलब वहां से एक से ज्यादा एटम्स अटैच हो. जैसे H2SO4 को अगर देखो तो H2SO4 वाले पार्ट में हम लोगों का ये ऑक्सीजन से भी दो एटम अटैच्ड है, लेकिन उससे दो ही एटम अटैच्ड है जबकि सल्फर से चार एटम्स अटैच्ड है. तो ज्यादा एटम जिधर से अटैच्ड होंगे उसको सेंट्रल एटम बोलेंगे. लेकिन अगर इथीन की बात करें तो दोनों कार्बन से इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड है, मतलब दोनों सेंट्रल एटम होगा. और ये जो जो मांडवी जो बोल रही है कि सर उसमें एक वैलेंसी वाला फॉर्मूला होता है, जहाँ पे दो सेंट्रल एटम होता है वहाँ पे फॉर्मूला फेल कर जाता है. जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सेंट्रल एटम होता है वहाँ पे फॉर्मूला वैलिड नहीं हो पाता है. तो इसीलिए हम लोग उस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक पार्ट सबको समझ में आया? तो चलो ठीक है, अगर समझ आया तो हम दो तीन एग्जाम्पल और करते हैं. जैसे मान लो NH3 मॉलिक्यूल है, तो NH3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर तीन हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन के ऊपर पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. अब पांच में से तीन बॉन्ड बनाने में चला गया तो बचा कितना? दो. इसका मतलब एक लोन पेयर आराम से बोल सकते हैं. हम लोग लोन पेयर को भी काउंट करके चलते हैं. तो नोमेनक्लेचर करते वक्त या फिर हाइब्रिडाइजेशन लिखते वक्त एस, फिर उसके बाद पी वन, फिर पी टू, फिर पी थ्री आराम से मेंशन कर सकते हैं. तो अपना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3. और sp3 वाले पार्ट में ज्योमेट्री क्या होता है, तो इस केस में सीधा हम लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वर्ड लिखते हुए काम कर सकते हैं. मान लो H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल वाले पार्ट में हम लोग को ऑक्सीजन वाला पार्ट से अभी ऊपर भी मेंशन किया था दो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है और उसके अलावा दो लोन पेयर वाला पार्ट. तो S, उसके बाद P1, फिर उसके बाद सॉरी लोन पेयर P2, उसके बाद P3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp3 बोल सकते हैं. और ज्योमेट्री वाला पार्ट यहाँ पे भी हम लोग का टेट्राहेड्रल आएगा, लेकिन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगा, शेप वाला पार्ट टेट्राहेड्रल नहीं होगा. ठीक है सर, ये मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहीं से भी कर सकते हैं? कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, क्लॉकवाइज घूमो, एंटी क्लॉकवाइज घूमो, ये तरीका है. वैसे के लिए एक ट्रिक हम बता रहे हैं, ये ट्रिक तुमको कहीं नहीं मिलने वाला है, मेरे खुद का ट्रिक है, इसलिए इसको एज अ ट्रिक ध्यान रखना. यहां तक का पार्ट समझ आया सबको? बताओ भाई. यस सर. चलो तो अगर समझ आया है तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं तुम लोगों का. sp3d का ज्योमेट्री वाला पार्ट क्या होगा? sp3d का ज्योमेट्री जब टाइम आएगा तो बता देंगे. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में पूरा डिटेल में डिस्कस करना है इस चीज को. हर एक पार्ट का ज्योमेट्री, उससे रिलेटेड और भी वेरिएशन हो सकते हैं, उन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे हम लोग. अभी उसमें टाइम नहीं खराब करेंगे हम लोग. ऑर्गेनिक का जो लेक्चर चलेगा, हम लोग केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से जो बेसिक रिक्वायरमेंट, केवल उतना ही डिस्कशन कर रहे होंगे. ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास यहाँ पे एंड कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग नोमेनक्लेचर का पार्ट शुरू कर सकते हैं. अल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अल्कीन अल्काइन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इस तरीके से हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स में, कंपाउंड्स में कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, इस चीज का डिस्कशन करना शुरू करेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. आज के लिए इतना ही. अरे स्क्रीन पे कलाकारी करना शुरू कर दो तुम लोग.